हेलो गाइस, मैं तेज एजुकेशन का इम्पोर्टेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर। ये मैंने 10th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर सेलेक्ट किया हुआ है। हम देखेंगे कि कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं और वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वही हम इस पेपर में बात करेंगे। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाएं और ये पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ओके, शुरू करते हैं। पेपर का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश लिखे होते हैं ये। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांक अनिवार्य लिखें, ये पहला पॉइंट होता है। जनरली सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न दी गई उत्तर पुस्तिका में ही, यानी प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आप लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही आप लिख दें, ठीक है। इसके बाद प्रश्न जो 26 आपको दिया है वो ग्राफ पेपर पर हल करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नंबर डिवाइडेशन का है कि 1 से और 10 तक है वो आपको एक नंबर के होंगे, 11 से 15 तक है वो आपके 2 नंबर के होंगे, और 16 से जो 25 तक है वो आपके 3 नंबर के, 26 से और 30 तक आपके 6 नंबर के होंगे। फिर वो कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 27 व 29 में आंतरिक विकल्प हैं, और आपको अगर रफ कायर करना हो तो आप कॉपी के पीछे के पेज पर कर सकते हो, और रब कायर को आप तिरछी लाइनों से आप काट दें। आगे अब हम बात करते हैं, ये पार्ट आ गया ए, और पार्ट ए में देखें आप। ओके, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, सूत्र अनुरूपण द्वारा हल करें, ये एक्सरसाइज 1 से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से एक इक्वेशन दिया हुआ है को सरल करें, ये भी एक्सरसाइज 1 से ही है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है लंबी विभाजन विधि वाला, वो एक्सरसाइज 2 से है। और इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6 से है, ठीक। इसके बाद आता है 5। 5 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8 से है। इसके बाद आता है फिर 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 10 से। इसके बाद 7 जो क्वेश्चन है वो 12 से है। 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 18 से है। 9 और जो 10 क्वेश्चन है वो रोड सेफ्टी से है। इसके बाद आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है उसमें 5 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है। देखें अब हमारा जो 11 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1 से है, और 12 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2 से है। इसके बाद जो 13 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 16 से है। 14 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 15 से है, और इसके बाद जो 15 जो क्वेश्चन है वो रोड सेफ्टी से है। इसके बाद आते हैं हम पार्ट सी पे। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ओके,
16 जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा एक्सरसाइज 3 से। इसके बाद 17 जो क्वेश्चन है वो आता है एक्सरसाइज 5 से। 18 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 8 से है। 19 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 10 से है। 20 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 11 से है। इसके बाद आते हैं 21। 21 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 12 से है। 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन एक्सरसाइज 14 से, कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं वहाँ से है। इसके बाद आते हैं 23। 23 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 15 से। इसके बाद 24। 24 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 13 से है। नेक्स्ट आते हैं हम 25। 25 क्वेश्चन एक्सरसाइज 18 से है, आपको देख रहा होगा प्रायिकता वाला। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है। अगर आप इसमें से एक भी क्वेश्चन करोगे तो उसका आपको 6 नंबर मिलेगा। ओके, यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं 26 जो क्वेश्चन में, ये आपको ग्राफ पेपर पर हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, सिद्ध कीजिए। ये एक्सरसाइज 7 से है। नेक्स्ट आते हैं फिर 28, ये एक्सरसाइज 9 से है। और फिर आते हैं हम 29 पर। 29 जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 11 से है। और फिर आते हैं हम 30। 30 वाला क्वेश्चन हमें अच्छी प्रकार से मालूम है कि ये एक्सरसाइज 17 से है। तो गाइज कैसा लगा आपको ये पेपर? अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं आप आपका जो सुझाव है वो क्या है। ओके, थैंक यू।